हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। कल से आपका स्नातक पार्ट वन सत्र 2020-23 का बीए बीकॉम पार्ट वन एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। सभी को बेस्ट ऑफ लक है। कल आपको एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है, कैसे परीक्षा देना है, कैसे उत्तर को लिखना है, पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। और कल किस विषय का आपका परीक्षा है प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आ रहे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है stresult.com, stresult.com, stresult.com। यहां से आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट stresult.com को खोल लेना है। देख सकते हैं आपका अपना वेबसाइट खुल गया है। यहां से डायरेक्ट आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऊपर से भी। और देखिए, नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा कैटेगरी। क्या दिखाई देगा स्टूडेंट? यहाँ पर आपको दिखाई देगा कैटेगरी। कैटेगरी के नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा VKSURA। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब चलिए, आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग का पार्ट वन का आप लोग यहां से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद जो लोग का एडमिट कार्ड नहीं अभी तक निकला है, आप लोग यहां से एडमिट कार्ड को निकाल दीजिए। अगर एडमिट कार्ड निकालने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कल सुबह हमें जल्दी से कॉलेज में संपर्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र अब एडमिट कार्ड निकाल लिए हैं। और एडमिट कार्ड आप निकाल लेते हैं तो उसको बढ़िया से रखिएगा। बहुत सारे छात्र अभी कॉल कर रहे हैं, पार्ट थर्ड का फॉर्म भरा रहा है तो पार्ट वन का एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है, पार्ट टू का एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है, तो उनका भूल गया है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छा से ये एडमिट कार्ड को रखिएगा, क्योंकि आपका ये आगे भी काम करेगा। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको सेंटर लिस्ट को देख लेना है कि किस कॉलेज का कहाँ सेंटर गया है। ऐसे आपका एडमिट कार्ड में भी सेंटर होगा। तो एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा। कल से आपका एग्जाम है। सभी को बेस्ट ऑफ लक है। अब चलिए, सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि कल किस किस विषय का आपका एग्जाम है। देखिए, आप पार्ट वन का एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो यहाँ पर आपका जो दो पेपर है यही आपका ऑनर्स पेपर है, और ये दो आपका क्या है, सब्सिडरी है, और ये वाला कंपोजिशन है। तो कल आपका अभी एग्जाम क्या का है, आपका ऑनर्स का एग्जाम है। देखिए, नीचे आपका जो रूटीन दिया गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका रूटीन देखिए, कल है आपका 30/3/2022 को फर्स्ट सीटिंग में आपका ग्रुप ए का पेपर वन है और BBA का पेपर वन है, और सेकेंड सीटिंग में 30/3/2022 को आपका ग्रुप बी का पेपर वन है, केमिस्ट्री 1A है। अब देखिए, यहाँ पर ग्रुप ए में जो जो आपका सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, फिजिक्स, बोटनी, जूलॉजी, मैथ, साइंस एंड आर्ट्स का, कॉमर्स एंड IEEE, ये ग्रुप ए में इतना सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ये अगर आपका सब्जेक्ट से आप ऑनर्स के विद्यार्थी हैं तो कल आपका फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम है। BBA का फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम है 30/3/2022 को। और वही ग्रुप बी में देखिए, पॉलिटिकल साइंस, AI&AS, LSW, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बुद्धिस्ट स्टडी एंड सोशियोलॉजी का पेपर वन आपका है 30/3/2022 को सेकेंड सीटिंग में, और केमिस्ट्री 1A, मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स जिनका भी है उनका पेपर वन आपका कल होगा, 50 नंबर का फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में आपका अलग होता है, 1A, 1B और 1C होता है, 50 नंबर का फिजिकल केमिस्ट्री, 50 नंबर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 50 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वालों का 1A का पेपर कल सेकेंड सीटिंग में है। ये आप समझ गए कि कल आपका एग्जाम किस किस विषय का है। यहाँ पर देख सकते हैं 30/3/2022 को फर्स्ट सीटिंग में ग्रुप ए का जो इतना सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उसका एग्जाम है, BBA का है उसके बाद पेपर वन, और ग्रुप बी में जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उसका सेकेंड सीटिंग में कल एग्जाम है, और केमिस्ट्री 1A का एग्जाम है। अब चलिए, आप ये तो समझ गए कि आपका कल क्या क्या का एग्जाम है। अब कैसे आपको कल परीक्षा देना है, देखिए आप लोग गेस्ट पेपर वगैरह ले लिए होंगे, A1 का, जसपाल का, आप लोग गेस्ट पेपर ले लिए होंगे टारगेट वगैरह का। अब चलिए, कैसे एग्जाम को देना है, तो सबसे पहले आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप में सभी छात्रों को जुड़ना अति आवश्यक है। जैसे ही आप stresult.com सर्च कीजिएगा तो उसके बाद कैटेगरी में आइएगा, तो कैटेगरी में आप आइएगा यहाँ से, यहाँ पर देखिए नीचे आप VKSURA यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप कैटेगरी में आइएगा तो यहाँ पर पार्ट वन का जो जो अपडेट है उसमें नीचे में आपका लिखा है सत्र 2020-23 ग्रुप से जुड़े। इस पर क्लिक करके इस टेलीग्राम चैनल में सभी छात्र को जुड़
देखिए यही आपका टेलीग्राम चैनल है भीके एसयू सेशन 2020-23, जिस टेलीग्राम चैनल में 7910 से ऊपर छात्र जुड़े हैं, यहाँ जुड़ जाइए। कल ये छात्र हित में आपका जब जब एग्जाम होगा तभी ग्रुप को खोला जाएगा। आप लोग को डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा ग्रुप को नहीं खोलेगी हमारी टीम, जब जब आपका एग्जाम रहेगा। जैसे कल आपका एग्जाम है तो कल ये सुबह में ग्रुप खोल दिया जाएगा, शाम में ग्रुप को बंद कर दिया जाएगा। छात्र हित में आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन वगैरह है, जो भी आप यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं। अच्छा से एग्जाम दीजिए, सभी का एग्जाम अच्छा जाए, इस ग्रुप में जुड़ जाइए। ये ग्रुप को कल सुबह में खोल दिया जाएगा। छात्र हित में यहाँ पर आप एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका हेल्प लेना है इस ग्रुप के माध्यम से आप ले सकते हैं, यहाँ पर हमारी टीम आपका हेल्प करेगी। टेलीग्राम आप डायरेक्ट इंस्टॉल करके भी सर्च कर सकते हैं भिक्के एसयू सेशन 2020-23, जिस टेलीग्राम चैनल में 7900 से ऊपर स्टूडेंट जुड़े हैं, यहाँ जुड़ जाइए। छात्र हित में ये ग्रुप को खोल दिया जाएगा कल के लिए, और जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक रोज सुबह में ग्रुप को खोल दिया जाएगा, शाम में ग्रुप को बंद कर देंगे, क्योंकि बाद में आपका एग्जाम खत्म हो गया तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए केवल एग्जाम के समय ही छात्र हित में ये ग्रुप को खोल दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। उसके बाद आप गूगल पे भी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, उसके बाद यांत्रिकी लिख दीजिए, YANTRIKI, यांत्रिकी, और हिंदी में खोजना चाहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश में खोजना चाहते हैं तो इंग्लिश में, ऐसे लिख के डायरेक्ट आप सर्च कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आपका आ गया। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट एग्जाम है, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद यांत्रिकी लिख दीजिएगा, YANTRIKI, यांत्रिकी इन हिंदी, हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में, पूरा आपका देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का पूरा PDF खुल जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक है। अब चलिए एक वीडियो आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्र पब्लिश किया था उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए डायरेक्ट चलते हैं एनी टाइम पढ़ाई मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब पर आपको लिखना है एनी टाइम पढ़ाई मंत्र और डायरेक्ट आपको वीडियो में आ जाना है, और देखिए यहाँ पर OMR का वीडियो बना हुआ है। उसके बाद नीचे आइएगा तो एक आपको वीडियो हम लोग प्रोवाइड कराए थे कि कैसे आपको परीक्षा देना है, पूरा विवरण है। देखिए 15000 से ऊपर छात्र देख लिए हैं, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक है, कल का एग्जाम सभी का अच्छा जाए यही हमारी कामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।